तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है हमारे। तो गाइस हमारे यूट्यूब चैनल कर देना एक सब्सक्राइब। और आज हम जिस सेलिब्रिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है मोहसिन खान। तो गाइस मोहसिन खान का नाम आज कौन नहीं जानता, बच्चे बच्चे की जगह पे मोहसिन खान का नाम है। यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मेन कॉन्टेस्टर और मेन हीरो रोल जो कर रहे थे मोहसिन खान, उनका लाइफ स्टाइल लेके आज हम अपने छोटे से यूट्यूब चैनल में आ गए हैं। तो गाइस इससे पहले देरी हमारे चैनल कर देना एक लाइक और कर देना चैनल को सब्सक्राइब। शुरू करते हैं गाइस अपनी इस लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो को। गाइस बात कर लेते हैं इनके बायोग्राफी के बारे में। तो इनका जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव नदियाद में हुआ। इनकी डेट थी 26 नवंबर 1991। 2024 के हिसाब से 33 साल के पूरे हो चुके हैं। बात करें इनकी प्रोडक्शन की, तो ये नेशनल से इंडियन है और इनका धर्म इस्लाम है। करें की फिजिकल स्टेटस के बारे में, तो इनकी हाइट है 175 सेंटीमीटर और वेट है 63 केजी और इनका हेयर कलर ब्लैक है और आई कलर भी ब्लैक है। अब बात कर लेते हैं इनके एजुकेशन के बारे में। तो बस बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो बस इन्होंने स्टार्टिंग की पढ़ाई चिल्ड्रन एकेडमी से पूरी की और उसके बाद इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई ठाकुर यूनिवर्सिटी से की, जहाँ पे इन्होंने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी। एक मुंबई के कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ से इन्होंने बैचलर ऑफ मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करी। रिपोर्ट के अनुसार इनका जन्म मुस्लिम फैमिली में हुआ था और ये बचपन से ही बहुत ज्यादा शाही थे। और मोहसिन खान ने अपनी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई भी पूरी करी हुई है, जिसमें इनके 80% थे। मोहसिन खान ने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना आगे जाके एक सेलिब्रिटी बन जाऊंगा या इतने बड़े शो में काम करने का मौका मिल जाएगा। गाइस मोहसिन खान ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। तो गाइस मोहसिन खान के लिए हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर देना। क्योंकि जब मोहसिन खान कॉलेज में पढ़ते थे तो वह स्क्रीन बनाते थे और राइटिंग भी किया करते थे। तो इन्होंने सबसे पहले एक डायरेक्टर के रूप में अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी। 2014 में कोलंचर मूवी जो आई थी इनकी, वो इन्होंने ही डायरेक्ट करी थी। फिर उसी साल 2014 में ही एक यूटीवी के इतने बड़े शो में काम करने का मौका मिल गया, जिसका नाम था लव बाई चांस, जिसमें इन्होंने जिग्नेश का किरदार इतना बेखूबी निभाया कि इनको लाइक करना लोगों ने शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद मेरी आशिकी तुमसे ही वाला शो में भी ये नजर आए थे, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया। उसके बाद तो इनकी किस्मत ही बदल गई। ये रिश्ता क्या कहलाता है इनमें शो में मेन रोल मिलने के बाद इनकी किस्मत ऐसी पलटी जैसे क्या ही बताएं। इतना ज्यादा फेम मिलने के बाद इन्होंने बहुत कुछ मुकाम हासिल किया उस शो से। मेन हीरो जिनका इन्होंने कार्तिक गोयनका का किरदार निभाया था, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है बेस्ट एक्टर अवार्ड्स भी इनको मिले हुए हैं बहुत सारे। अब बात कर लेते हैं इनके फैमिली के बारे में। तो इनके फादर का नाम है अब्दुल वाहिद खान और इनकी मदर का नाम है मिसबेन खान। इनके ब्रदर का नाम है सज्जिद खान और इनकी सिस्टर का नाम है जैबेद अहमद। और गाइस कुछ रिपोर्ट के अनुसार इनकी एक गर्लफ्रेंड भी है, जिसका नाम है शिरंगी जोशी, जो कि प्रोफेशन से एक एक्टर है। बात कर लेते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में। तो गाइस इनके पास एक टोयोटा की फॉर्च्यूनर है, जिसकी कीमत है 24 लाख रुपए। तो गाइस आपको हमारी ये लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर के जरूर बताना। और आपको बताना कि आपको कार्तिक गोयनका का रोल कैसा लगा, अच्छा लगा कि बुरा। और कर देना हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब, कर देना एक लाइक। मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।